ये ले। सही कहा है किसी ने, सौरा जुआई के साथ, बहनोई को साले के साथ, मामे को पनेवे के साथ कभी काम करना ही नहीं चाहिए। जुतियां घिसा ली मैंने तुम्हारे बाबूजी का कारोबार बढ़ाने के लिए, लेकिन मजाल है, झूठे मुंह कभी एक बार शुक्रिया भी कह दिया उन्होंने? उनका यही बड़ा एहसान है कि पूरा कार हमारे हवाले का रखा है। अच्छा जी, तो वो जो हम 24 घंटे उन्हें सर्विसेज फराहम कर रहे हैं एज अ कुक, एज अ चौकीदार, एज अ मुंशी, उसका हिसाब ही कोई नहीं? जो भी कहना आप, शर्म आती है मुझे बाप के घर में रहते हुए। हाँ जी फिर बेगम, आप तो शर्मो हया का पैकर है, तो आपके भाइयों को तो शर्म ना आई बूढ़े बाप को अकेला छोड़ के बाहर शिफ्ट होते हुए? उनका अमल उनके साथ। हाँ जी उनका अमल उनके साथ। ये है वो बेटे जिनकी पैदाइश पे एक मन मोती चूर के लड्डू तकसीम किए थे बाबूजी ने? बाबूजी को ज्यादा प्यार था बेटों से, और वही प्यार तुम कर रही हो अपने बेटे के साथ। उस पुट्ठी मत वाले को थोड़ी अकल दो कि ज्यादा चौड़ा होके मत फिरा करे उनके सामने। वो सारा कारोबार तो हवाले किया हुआ है झूठ के। झूठ से क्या करे मेरे बेटे को ना, तो तुम जो हर वक्त लानत मलामत करती रहती वो ठीक है? हाँ तो माँ उसकी उसकी बेहतरी के लिए कहती हूँ। अरे ये बड़ी मुनाफकत है तुम औरतों की है, दिल चाहे तो डंडे सोटे मारो, बाप बेचारा कुछ कह दे तो मदर टीसा की रूह हलूल कर जाती है तुम्हें। आप ना मेरा ख्याल है सो जाएं, अब बत्ती बंद करें, रात बहुत हो गई है। मैं जी खादम आपका आशिक, आशिक हुसैन एडवोकेट। वैसे जितनी शिकायतें आप करते हैं ना बाबू जी की और कारोबार की, मैं तो सोच रही हूँ कि पाइन रफाकत और साकिब को के वापस आके कारोबार संभालें, 10 साल बतेरे होते हैं। ओए ओए ये क्या आधी रात को तरह निकालने वाली खौफनाक बातें कर रही हो? तो कदी ना कदी वापस आएंगे ना, और कदी ना कदी तो मौत ने भी आना है। बीबी आई बी देर ऑन टाइम। तुम बताओ कौन सी कलर की शर्ट पहनो, मैं तो नहीं पहनूंगा। बीबी कॉल बैक कर दो। मुझे जान से मारने का इरादा है। मुझे क्या पता था कि तुम नीचे खड़े हुए हो? सच सच कहो ना कि जेलसी में नजर नहीं आया। जेलसी में क्यों, कोई फॉरेन मिनिस्ट्री तुम्हारे हाथ लग गई? आई बिल्कुल ऐसी देख लग रही हो जिसका कोरमा नीचे लग गया हो। देखो ना कितनी सड़ियल लग रही है इसको। क्या है सड़ियल सड़ियल? छोड़ो, निकलो मेरे कमरे से बाहर। तुम निकलो मेरे कमरे से बाहर। कमरे से नहीं, तुम सबकी जिंदगियों से भी निकल जाऊंगा। हां और जैसे कि हम मर जाएंगे ना तुम्हारे निकलने से। अच्छा सुनो ना, सुनो 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 जी, देखो ना, एक सेकंड एक सेकंड। देखो कैसी है, तुम्हारी तरह मनहूस सड़ी हुई तोड़े, निकलो। जल गई। इंशाल्लाह देखना ये वाली भी चूना लगा के जाएगी तुम्हें। ये रखो ना, सदका है, मैं तो यतीम मस्कीन हूँ, रखो। तुम वक्त निकाल के मर क्यों नहीं जाते? मनूंगा ना कल जमीला और जिमी पे। निकलो बाहर, निकलो। अच्छा सोचो, रख लो ये तो रख लो। बॉस, आपको नहीं लगता कि मेरी सैलरी में थोड़ा सा इजाफा होना चाहिए? नहीं। आपके साथ मूवीज देखने जाऊं मैं, फंसे आप निकलवाऊं मैं, कभी आपका मैनेजर, कभी मुंशी, कभी माली, सब मैं बनता हूं, और आपको लगता है कि मेरा नहीं होना? क्यों इमोशनल हो रहा है मेरे भाई? चल ठीक है, इस दफा मैं बाबूजी से बात करूंगा कि तेरी तनख्वाह में पूरे 500 रुपए का इजाफा कर दे। ओके हैप्पी। ये पूरे 1000 हैं, 500 मेरी तरफ से रख ले। तू ज्यादा फ्री नहीं हो गया मेरे साथ? बचपन से आपकी सारी हरकतों में आपका साथ दे रहा हूं मैं। हाँ तो कौन सा एहसान कर रहा है?
सीना चौड़ा कर लें, सीधे खड़े हो जाएं। क्यों भाई, बारात आ रही है तेरी? आपकी बारात की दुल्हन आ रही है। रॉकेट जी, बूटा एंड बब्बू कंपनी के मामलात संभाल लेना, और अगर विदाउट इमरजेंसी मुझे फोन किया तो खुदा की कसम हाथ पांव तोड़ दूंगा। ना बात सुने ना, आपने तो कोर्ट जाना छोड़ ही दिया, जाते क्यों नहीं है? दो दो जगह खुआरी नहीं काट सकता मैं? दो दो जगह कोर्ट में जज के सामने बिस्ती कराओ, घर में वो मामा कमसौरा साहब के सामने खुआरी कराओ, हो गई ना दो दो जगह। हाँ तो बंदा कोई कम भी इस तरह दे करे ना कि इज्जत हो। मुझे कुछ कह रही है ना जी? हाला अम्मी। अरे माशाल्लाह बेली, ये वही कर्टन है जो आपने मुझे लाइट हाउस से मेरे रूम के लिए दिलाया था। तेरा बेड़ा तर्ज है, तूने काट कूट के सी लिया? देखिए सिलाई चेक करें अपनी भांजी की, बड़े से बड़ा टेलर्स का मुकाबला नहीं कर सकता। वैसे वाकई मुकाबला तेरा कोई नहीं कर सकता, मैं तो हैरान हूँ कि तेरे दिमाग में आईडिया आते कहाँ से? मौसम का है? जुगाड़ ही लगा रहा होगा कहीं बैठ के। बहुत बड़ी कंपनी है जी हमारी बीएनबी। आई डोंट नो, मैंने कभी नाम नहीं सुना आपकी कंपनी का। अच्छा, वैसे फेमस तो बहुत है। होगी। एटीट्यूड चेक करो मोहतरमा का, लगता है काफी अरसे बाद अच्छा खाना खाया। वैसे आपने बताया नहीं कि बीएनबी कंपनी का एब्रीवेशन क्या है? जी एब्रीवेशन वन सेकेंड। ओह माय मामा इज कॉलिंग। जी मामा। फॉर गॉड सेक मामा, आप अपनी एनिवर्सरी के डिनर का ऑर्डर उस बूटा एंड बब्बू को दे रही हैं? आप भूल गए कि लास्ट टाइम क्या हुआ था? हमारे ग्रैंडपा की डेथ भी उनकी सड़ी हुई जलेबियां खा के शुगर हाई होने की वजह से हुई थी। हाउ कुड यू फॉरगेट दिस? आप कैसे भूल जाती हैं ये बात? प्लीज आप किसी और को ये ऑर्डर दे दें। लो जी, मेरी कहानी तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। मामा की कॉल थी। हाला अम्मी, उसने तो फोन ही बंद कर दिया है। लो ये लड़का ना सुधर नहीं सकता। ओ बेला, तू फोन मिला उसके वो चेले का। किसको? रॉकेट को। हाँ तो और क्या, अरे वही बांदर तो है जिसको 24 घंटे मोड़ पे बिठा के तो फिरता रहता है। सगा है वो उसके माँ बाप से भी ज्यादा। जी नहीं, वो बॉस गए दूध वाले से पर्सनली बात करने। वो क्या है ना, पानी ज्यादा आ रहा है, दूध कम, तो वो। हाँ जी जी बिल्कुल, जैसे ही वो आते मैं वैसे ही आपकी बात कराता हूँ। जी जी। क्या झूठ बोल बोल के रंग काला पड़ गया मेरा। हाँ हाँ बोल बोल शकुरे। अच्छा हैं, छिपकली गिर गई कढ़ाई में। अबे तो बॉस आके क्या करेंगे? तू सुन, छिपकली निकाल और दोबारा भून ले,
देसी घी डाल के, हाँ खुशबू आ जाएगी। और इलायची तू अपना दिमाग बंद कर, जो बोल रहा हूँ वो कर। कितना अरसा रही? थैंक यू। लो जी 8,000 का टीका लग गया। डीपी में कुछ ज्यादा ही फिल्टर नहीं लगा रखे आपने? फिल्टर के बगैर भी उतना ही हैंडसम हूँ। इतने भी नहीं हो जितना इस डीपी में लग रहे हो। पहले अपनी शक्ल तो देख लो आईने में, यूके का फंदा ना हो तो कोई घास भी ना डाले। पीए है मेरा रॉकेट, आई मीन राहिल। एक्सक्यूज मी सी। श्योर। बहुत अर्जेंट है, प्लीज बात सुन ले। मैनू खबर ही होगी। आ लैण दे उस देसी कुकड़ नूं, अपनी कसूरी जुत्ती नाल ठुकाई ना ना कीती ते मेरा नाम मोहम्मद बूटा नहीं। क्या फायदा होगा बाऊ जी, मेरा पूरा प्रोग्राम खराब हो गया है। तू उधर नाल प्रोग्राम बनाने क्यों है उस पेठे नाल? बेली तेरे खालू ने गाड़ी निकाली, जा मेरी जान, साथ चली जा। मुझे नहीं जाना खाला अम्मी, अभी तक तो केक भी कट गया होगा। सुन अब जिद्दी पूरी मोहम्मद बूटे ते गई है, क्यों ना जाए सगा नाना मैं उदा। ओहो इनको तुम्हें चुप करो ना, हान बजा बजा के ना दिमाग खराब कर छोड़। नंबर एक, बेला बाजी की बार बार कॉल आ रही है। नंबर दो, छिपकली गिर गई है सूजी के हलवे में। भुन तो नहीं गई? कितनी भुनी है तो जाके देखना पड़ेगा बॉस। पहले सिप्पी से तो जान छुड़वा लूं। बासिम आई एम गोइंग, एक्चुअली मेरी मामा की कॉल आ गई है तो आई हैव टू गो, आई थिंक कोई इमरजेंसी है। मैं चलूं फिर, आई विल सी यू सम अदर टाइम, बाय। मैडम जी नेक्स्ट टाइम आइएगा भूटान बब्बू जलेबी सेंटर पे। व्हाट, यानी बीएनबी तुम ये भूटान बब्बू की बात कर रहे हो? ओह माय गॉड, तुम लोग तो चलते फिरते क्लियर दो, शेम ऑन यू, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। शर्म किस बात की? शर्म किस बात की, दूसरों को सड़ी भी जहरीली जलेबियां खिलाते हो इस बात की? ओ मैडम जलेबियां जहरीली नहीं थी, तुम्हारे जाहिल ग्रैंडपा को इतनी अकल नहीं थी कि शुगर के पेशेंट को इतना मीठा खाना चाहिए। हो गया अल्लाह को प्यारे। जाहिल ग्रैंडपा, बिहेव योरसेल्फ। सेल्फ पे बात होगी, अब निकालो 4,000 रुपए निकालो, क्योंकि यहां पर अमेरिकन सिस्टम चलेगा, खाने के पैसे आधे आधे। चलो निकालो, शाबाश। निकाल रही हूं पैसे, ले लो तुम्हारे, बल्कि 5,000 रुपए रखो। थैंक यू। देख असली है तो असली, खुला करा के ले आऊं, 1,000 वापस देने उन्हें। 1,000 कुछ है? क्या हो गया? मैं क्या शक्ल से डाकू लग रहा हूँ तुझे? हरकतें तो वैसी हैं आपकी। नहीं झूठ, मैं देख रहा था कि आज के दिन की बोनी कितनी हुई है। बजी बोनी बोनी बातें ना क्या करें मेरे साथ। अरे तो फैटी फैटी कर लेते हैं, वो जो तू लारा लगा के है ना बेला को ड्रॉप करने का है, तो वो और उसके नाना जो है ना शीरी मंजिल में ना आदमखोर बन के ढूंढ रहे तुझे। पैसे रखे दराज में, जा रहा हूँ जी। बॉस बॉस, अरे बॉस छुपकली का क्या करना? काबीना का इजलास बिठा दो इस मसले पे। तो पता है मुझे, लेकिन पूछना मेरा फर्ज बनता है। तेरे सारे फर्ज ना वापस आके अदा करता हूं मैं। ओ वो जा भाई निकलने की कार, वो बाऊजी की मिस कॉल आ रही। रॉकेट जी बॉस, ध्यान रखना काउंटर का। जी बस। तू रख ले भी ध्यान,
ये क्या जासूस बन के घूर क्या रहा है मुझे है? नहीं नहीं वकील साहब, मैंने आपका नमक खाया, मैं भला कैसे घूर सकता हूँ? बेटा कुछ मीठा खिला, ये जो अफलातून औलाद की बातें सुन सुन के ना मेरे तो शुगर डाउन हो गई। गर्मा गर्म जाफरानी जलेबियाँ लेके आता हूँ। एक्सप्रेशन ना दे जा, लेके आ जा। मर्दान नाने का सगा है, मजाल है, ओवर टाइम की कोई रिकवरी भी लगाने दे। अभी तो नान का इतना मुंह नहीं लगाता, वही तो सगे बाप को ना बचाने। ओ आ जा भाई, किधर रह गई तेरी जाफरानी जलेबियाँ? शुगर डाउन हो रही मेरी। ओ बिलाल बिली, गई नहीं तुम सुफिया की बर्थडे पे? नहीं, तुम्हारे 40वें का थीम प्लान कर रही थी। ब्लैक और ग्रे अच्छा लग रहा है, ब्लैक और व्हाइट। बड़ा गुड आइडिया। वैसे मैं सोच रहा था कि अगर तुम वेडिंग प्लानिंग के साथ साथ फौतगी, अकीका, बर्थडे के फंक्शंस भी ऑर्गेनाइज करो तो कसम से कारोबार बहुत अच्छा चलेगा। कर ली बकवास तुमने? अरे बकवास तो वो लंच था यार, कसम से बिल्कुल बासी पैटी की तरह की शक्ल थी उसकी। ऊपर से बता रही थी कि बब्बन बूटा कंपनी की जलेबियां खाकर मर गया उसका दादा। ओ, तो तुम जिसके साथ लंच करने गए थे उसका दादा हमारी वर्ल्ड फेमस जलेबियां खा के मर गया? तो उस पे मरने गया था, लेकिन अफसोस बात ही नहीं बनी। बताओ ना अम्मी को। नहीं वासिम, तुम खुद बेहतर बताते हो, तुम बता दो खाला अम्मी को। मजाक कर रहा था अम्मी। मजाक कर रहा था असि पागल डोरिया बोतला में ऐसी का खाने ला। तू चल जरा मेरे कमरे च। काके चल तो सीना में दसनी है मतंग है क्यों ले? देख भाई सज्जो, उम्र और रिश्ते में वैसे तो तू मुझसे बड़ी, मेरा मतलब मुझसे छोटी है, हैं? और ऊपर से तू मेरी सगी खाला और सगे चाचे की, इसलिए मेरे साथ डेढ़ होशियारी ना कर। आहे पहन, कभी ना गौर से किसी की बात भी सुन लेते हैं। Somebody has told me कि आप बाबूजी की दिन रात चाबियां पढ़ते रहते हैं। अगर मैं पाकिस्तान में होती ना तो दो सेकंडों में मैंने बाबूजी को सेट कर लेना था। ना ना ना, पहले तो जरा इस सम बॉडी पे रोशनी डालना। ये कौन सा मीर जाफर है जो ये मिंट मिंट की खबरें दे रहा है हमारी? ओ बशीर है। जी सर। ओ डेगे वैगन में रखवा शेख साहब के फोन आ रहे सुबह से। जी सर। जा मेरा मुंह ना देख, चल जा। टोला आस्ता बोल, पता ही लग रहा है कनाडा से कॉल आई है। कनाडा से मेरा भी सलाम कहिएगा। वालेकुम सलाम। जा आशिक भाई, छोड़े सज्जो को, बस आप खुदा का वास्ता है बाबूजी को मनाने की कोशिश कर रहे। मैं इसी पे पाकिस्तान आ रहा हूँ। पागला, आने की जरूरत ही क्या है? हाँ भाई, ननु मना करो सू, जे पाकिस्तान आ गया तो मैं कली सियालकोटी दरगाह की मैं रन करांगी। साडे विक्की नु तो पूरा भी इंटरेस्ट नहीं है इस बिजनेस में। देख साकी, सज्जो बिल्कुल ठीक कह रही है। कारोबार को देखो, यहाँ तो बड़ा मंदा चल रहा है। वरना आपको पता है बाबूजी की नाराजगी कहाँ सुकून से सोने देती है। मैं यहाँ देख साकी, तू ना नींद के लिए कोई ट्रैंकुलाइजर यूज कर। तो मेडिसिन भी नंबर एक है। अभी बोनी का टाइम है, फिर करते हैं बात। ओके अल्लाह हाफिज। बोल साल बाद इनको ख्याल आ रहा है वापस आने का। हम मर जाए नीला तोता का आगे। अम्मी किसी लड़की से नहीं मिलने गया था, बेला बताओ ना, मजाक कर रहा था यार। खबरदार बेला, खबरदार, जो तूने झूठ बोला इसको बचाने के लिए, बता रही हूँ मैं बेला। खाला अम्मी मुझे नहीं पता, ये तो मुझे बोल के गया था आधे घंटे में आ जाऊंगा। हाँ तो मसला हो गया था डिलीवरी का, वो मोतीचूर के लड्डू भिजवाने थे चौधरी साहब के घर, ऑर्डर कम पड़ गया। तो तू वहाँ बैठ के मोतीचूर के लड्डू बना रहा था? जलेबियों का बिल गिन रहा था अम्मी। एक तो बाऊजी ने जिंदगी हराम की हुई, ऊपर से आप थानेदानी लगी हुई है, हद हो गई है यार। चोरी समझते हैं सारे मुझे। देखो ऐसा जरा, हर दफे चूना लगा के निकल जाता है।
रहने दें खाना में, नहीं तो हो गई है पार्टी खराब। सोफिया भी मुझसे बात नहीं करेगी ना। तो सोफिया को तेरे अलावा मुंह भी कौन लगाता है? मिट्टी पाना छोड़ दे, ऐसे ना करना, मेरा बड़ा दिल खराब तो जैसे देख के ना कर। और मैं बस यही चिकनी चुपड़ी नहीं लगानी आती मुझे, पर ना पकलौती माँ है मेरी। लेकिन मुझे भी गोकर लगानी आती है, लगाऊं? निकल भी जहां हुआ बाबूजी। ओए पेड़िया पुत्र, मैंने तेरी माँ को कहा था गोभी ना खुआ मुझे, बादी होती है। आखिर हुआ क्या? ओ, गैस का मामला है, सीने में जलन भी हो रही है। तो चलें डॉक्टर पे लेके चलता हूँ आपको। नहीं रहने दे डॉक्टर, तू और रशीद दे दवा खाने तो फक्की ले आ दे। क्यों जिद करते हैं बाबूजी, कल को कुछ हो गया तो आपके बेटों ने ब्लेम हमें ही करना है। दे, कुछ हो गया तो तू ते आशिक हुसैन कंधा दे देना, मेरी चार भाई हो, उनको तो फ्लाइट ही नहीं मिलनी, माँ की दफा भी नहीं मिली थी। गैस सर पे चढ़ गई है। हैं? क्या? कुछ नहीं, लाता हूँ पक्की। ले आ, ले आ, जल्दी ला। ला रहा हूँ। निक्की भाजी एक बात तो बताए, ये आपने और सज्जो ने क्या कसम खा रखी आज मुकाबले में फोन करने की? और ये कौन सा मर्दूद और मनहूस मारा है जो चुल दे रहा है आप लोगों को पाकिस्तान आने की? हालांकि आपके मियां की अलफ से ये तक सारी बगैरतियां मुंह जुबानी याद है बाबूजी। बशीरे जी सर, 10 किलो गुलाब जामुन भैंस कॉलोनी वाली ब्रांच में जल्दी, मिनट मार शॉर्टेज हो गई है। ओके सर। निक्की भाजी एक मिनट होल्ड करें, जितनी ऊंची तू बोला है ना आवाज भी तेरी चली जाएगी भैंस कॉलोनी गुलाब जामुनों के साथ। तो आप अमेरिका बात कर रहे हैं ना, तो निक्की भाभी और सदाकत भाई जन को मेरा सलाम अर्ज कीजिए। जी बेहतर। निक्की भाजी ये आपको ना अंग्रेजों के कपड़े धोने और प्रेस करने से फुर्सत मिल जाए ना जी, तो ये रॉकेट को भी फोन कर लीजिएगा, बहुत उदास है। हाँ तो मैं ये कह रहा था कि आप दोनों पार्टियां चुप करके डॉलर कमाए वो उधर ह्यूस्टन में और टोरंटो में। अब देखे ना जी बहू जी का गुस्सा अगर 10 साल में नहीं उतरा तो अब कैसे उतरेगा। हाँ जी काफी टाइम हो गया, खुदा हाफिज। अपना रॉकेट जी। जी वकील साहब वो कोरमे की देखोगे जो 10,000 आए थे ना वो दे दे मुझे, मैं घर जा रहा हूँ तो मैं लेता ही जाऊँ साथ। जी ये ले। ठीक है इधर आ जी, ये रख, कीप द चेंज। शुक्रिया। वो बाबूजी को मैसेज कर दिया तो मैंने 10,000 की पेमेंट आई है, इसमें 500 ऐड करके पूरे 10 बाबूजी को दे दो। तो ये जो ये श्यानपुर है ना तेरा, ये तेरा श्यानपुर मैंने छानपुरे में बदल जाना और तू मारा जाएगा बाबूजी के हाथों। चाबी दे गाड़ी की। वो कितने छल्ले लगाए हुए उसमें। सदाकत भाई प्लीज वापस आ जाएं, यकीन करें बाबूजी की तबीयत बहुत खराब है, माँ की खिदमत तो आप कर नहीं सके, आपको मौका ही नहीं मिला, लेकिन बूढ़े बाप के पांव पकड़ के उनसे माफी मांगूं, यकीन करें मेरा दिल दुखता है, मुझे अपनी औलाद की तरह पाला उन्होंने। आ जाएं सदाकत भाई। वो गई नहीं गई, 10 किलो गुलाब जामुन। बशीरे एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। इस घर में मेरी होने वाली 60% रिजल्ट तुम्हारी वजह से होती है। खुदा का खौफ करो बासिम, हमेशा तुम्हारा साइड लेती हूँ मैं। एक जरा सी बर्थडे पार्टी की वजह से पूरा खानदान लगा दिया मेरे पीछे। मेरी भी तो एक ही दोस्त थी सोफिया, उसके अलावा मैं कहाँ जाती हूँ। और मेरा एहसास है तुम्हें, कितने ख्वाब देखकर गया था मैं और उस यूके वाली चिपकली ने सब तोड़ दिए। बासिम तुम नहीं सुधरोगे ना। नहीं कभी नहीं। याद नहीं कि रात को क्या कहा था, अगर मेरे अंदर इतनी काबिलियत होती तो 2 बार US और 3 बार कैनेडा ने वैसे ही इंटरव्यू में फेल ना होता।
मजाक कर रही थी, मेरे बेस्ट फ्रेंड तो तुम हो ना। एक बार बाहर चला जाऊं किसी के भी कंधे पे सवार होके, खुदा की कसम इतनी मेहनत करूंगा ना, अपना करियर खुद बनाऊंगा, यहाँ कुछ नहीं रखा। परसों तुम्हारा इंटरव्यू है, एम्बेसी से कॉल आई थी। आई एम सॉरी बासिम, मैंने तुम्हें परेशान देखा ना तो मैंने फिर से अप्लाई कर दिया था। यार क्या जरूरत थी दोबारा फीस भरने की, तुम्हारे इतने सारे पैसे कहाँ से वापस करूंगा। अब वो हिसाब किताब हम बाद में कर लेंगे, अभी उठो और मुझे आइसक्रीम खिलाने ले जाओ, उठो। ट्रस्ट मी, तुम दुनिया की ना बेस्ट लड़की हो, मेरी बेस्ट फ्रेंड। जितने मस्के लगाने हैं ना बाद में लगाना, आज तो मुझे बाहर ले जाके आइसक्रीम खिलाओगे। यार कितनी नदीदी हो तुम, तरस आ रहा है मुझे तुम्हारे शौहर पर। आधी तनख्वाह उसकी लग जाएगी तुम्हें आइसक्रीम खिलाने पर और आधी तुम्हारा बेकिंग का सामान लाने पर। बेफिक्र रहो, तुमसे तो मुझे शादी करनी नहीं। मेरा भी दिमाग नहीं खराब, मैं तो डालूंगा सितारों में कमान। मैं नहीं गुजार सकता जिंदगी जल जल के शीरी मंजर में। आंखों की खामोशियां अल्लाह माफी, लगता है वैसे कयामत करीब ही है। एक कड़े वायरस की गल कर रहा है ओ जी, को वायरस टीवी पे थोड़ी दिखा रहे हैं, तुम्हें देखने की क्या जरूरत है, हमारे तो घर में मौजूद है वो। बाबूजी वैसे सुना है कि ये चमगादड़े खाने से वायरस फैली है। ओए चाय तो पी लेने, क्या हो गया? क्यों चमगादड़ दे सूप दा जायका आ गया चाची? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आओ जी, कहां से आ रही हैं फौजें? हिसाब किताब करने गया था, और वो कल वाले 10,000 रुपए दे दिए थे बाबूजी को। हिसाब किताब के बगैर घर में दाखिल नहीं होने देते मामा जी, ये भी एहसास नहीं करते कि मैं उनका यतीम मस्कीन सगा बन जाओ? ना ना ना, हिसाब किताब ही कोई सगा सुदला कोई बांचा जाचा नहीं हूं। ओए हर दुकान पे सीसीटीवी कैमरा लगा है मेरा, और वो सबसे बड़ा चलता फिरता कैमरा तो है रॉकेट। दे है। ओए तू ध्यान दे अपने पतीसे से चमचम पर।
आप ध्यान दें अपनी शुगर और कोलेस्ट्रॉल पे, बाकी मैं संभाल लूंगा बाबूजी। आप लोग क्या देख रहे हैं? एमी कोई वबा फैल गई है चीन में। बेटा वो जाकर देखना, मैंने मटर पुलाव दम पे रखा है। देख लूं खाला अम्मी। और वो जलेबियों वाला शॉपर भी रख देना लॉक में, बाबूजी की शुगर बढ़ती ही जा रही है महंगाई की तरह। बेला देख ला है, तेरे नानके मैनू बहुत तंग कर रहे ने, घोड़े गिट्टियां च बह गए ने मेरे। बड़ा याद आती है इसलिए मैनू शीरी, जे वो होंदी तो मजाल सी किसी दी को गल का, जिंदगी का मजा ही चला गया उसके बगैर। बेला बेटा पुलाव देख। माशाल्लाह से वैसे बाबूजी जो आपकी हरकतें हैं, जल्दी मुलाकात हो जाएगी आपकी शीरी बीबी से अगले जहान में। ओए तुम ही सिखा अपने बेटे ने। ओए बंदा बाणो झूठ। बाबूजी वाह वाह वाह, वो जो आप अरके गुलाब और खेवड़ा डालते थे ना पेठे में, हाय हाय हाय। ओए यार की यार बात नहीं, अरके गुलाब ना देना सेहत होंगी, सेहत ही नहीं रही, शीरी चली गई, सारा कुछ खत्म हो गया। ताड़ी मनहूस सकला देख देख के पागल हो गया, ना कोई काम इश्तेहार रहा, उनके बाद वेखी जाओ की चलता पिया है। बेलपुरी ये टेस्ट करना बताना किसी को। तुम्हारी बात मैंने कभी किसी को बताई है? एक तो फौरन सेंटी हो जाती हो तुम। तुम्हारे ही मामले में होती हूँ ना। वैसे अब्बा को तो बड़ा शौक है अपने सालों के मुकाबले में मुझे भाग भिजवाने का। असल गड़बड़ी इफ्फत आशिक हुसैन और मोहम्मद बूटा करते हैं। वो कैसे? भाई जैसे ही बाहर जाने का नाम सुनते हैं झोली उठा उठा के बद्दुआएं देते हैं वीजा ना लगने की। मुझे लगता है दिल से बद्दुआ देते हैं तभी तुम्हारा कभी काम नहीं बनता। दिल तो तुम्हारा भी नहीं चाहता, शक्ल चीख चीख के बताती है। खैर तो है, आज ये फौजें कैसे इकट्ठी हुई हुई है भाई? वो खाला अम्मी बासिम का यूनिवर्सिटी का एग्जाम है खाला। हाय रब्बा तेरा शुक्र है, इसको भी ख्याल आया पढ़ाई का? तूने दिए ना कल, इसे पता था मुझे। वैसे आप मुझे बहुत अंडर एस्टिमेट करती हैं। रहने दे इसके टेस्टों को, तू बाऊजी से कह के अपना टेस्ट कराएं। क्यों क्या हुआ खाला मी? सारी रात सीना बलता है, जलन रहती है सीने में। सारा दिन जली कटी बातें करेंगे, जलन ही होगी ना सीने में। हजार बारी मना किया ना मैंने, बकवास ना किया कर अपने अन्ना के बारे में। आप एक काम करें, मेरे मुंह पे ना टेप लगवा दें, ये लो काटो। कर दिया ना उसको नाराज। चंगा है, रोस्ता तो रोस्ता रहे। अच्छी है ना खुशबू। अरे यार वोकेशंस पे जाना था तो पेरिस जाओ, स्विट्जरलैंड जाओ, तुम कहाँ पाकिस्तान के लिए सोच रहे हो? तुम्हें क्या जरूरत है उसको ही बोलने की, आना चाह रहे तो आने दो ना। हेलो हेलो, आ गई तुम्हारी कजन, कर लो बात, तुम्हारे ही पूछा था विक्की। ये लटका क्या बासिम को लटका रही हो? बासिम को नहीं, कपड़े दिए, वो लटकाने को कह रही थी। कैसे हो विकी? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बाबूजी तुम्हें इतना याद करते हैं। और तुम? मैं भी तुम्हें मिस करती हूँ, बल्कि हम सब तुम्हें बहुत मिस करते हैं। अच्छा मैं तुम्हारी बात करवाती हूँ। ब्रफ़ो एक मिनट रुको रुको, मैं लेके जा रही हूँ। मैं बिल्कुल मिस नहीं करता। बाबूजी गिर गया। जब नजरा तो ही गिर गए, फ्रेम गिर गया थे की होया?
पुरानी बातें भूल क्यों नहीं जाते बाबू जी? कीवें भुला देना बेटे सिर मेरे दोवें बाजू सब मेरे उंगल पकड़ के उन्होंने टुरना सिखाया मेरा हाथ छटक के चले बाबू जी यही सब सोच सोच के नानो ने अपना हार्ट फेल कर लिया था पिछले 10 सालों तो मेरा भी दिल रुक गया है सावा चल रही ने जब तक तू अपने घर नहीं चली जाती क्या हुआ है बाबू जी आज इतने दुखी क्यों हो रहे हैं आज तो 7 साल पहले तेरी नानी सानू छड़ के चली गई किसी ने पूछा भी नहीं पता ही नहीं किसी ने भी सारे भूल गए बाबू जी हाला अम्मी ने दोपहर में खत्म दिलवा दिया था ऐवें कहते ने लोग बेटे होने चाहिए बेटे मैं बेटियां बहुत अच्छी होंगी शादी तो बाद भी माँ प्यो का ख्याल करते हैं ये फिन वेख लो बहुत हो गया कल से आप रोज दुकान जाएंगे बुरा दिन आप क्या क्या सोचते हैं रंग बिरंगी बीमारियां पाल ली आपने इसलिए मैं नहीं जहाँ दुकान दुकान से मेरे को कारोबार नहीं होता और बस मैं भूल गया सारा कुछ लेकिन मैं नहीं भूला आपकी फकी इतनी मुश्किल से जाकर मिली है बंस रोड से पकड़े लो फकी मिली बंस रोड तो लग गया ओए ओए कहेंगे रहा जी मैं अमरीका दरियाफ्त करके आया रे लगता है अमेरिका वालों की याद में गैस सर पे चढ़ गई आपके हाँ? कुछ भी कर लो आपके लिए तो बाबू जी क्यों चिढ़ाते हैं उसे गल करो ने चिड़े वांगू फुदकदा क्यूट लगता है मैनू